किसी ने खूब ही कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपने अंदर झांक लेना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं बात बोलने के बाद वही बात अपने आप पर नहीं आ जाए। पर सियासत इन बातों की कीमत कहां समझती है? बस वो तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहती है कि वो हमेशा चर्चा में बनी रहे, चाहे फिर इस चर्चा में बने रहने की कीमत कुछ भी क्यों ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिससे विवाद शुरू हो गया और अभी भी वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इसे खत्म ही कर देना चाहिए। इसी तरह हमें सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने राज्य में भी झांक लेना चाहिए जहां दोहरेपन का दोगला खेल खेला जा रहा है। ऐसी एक खबर उदयनिधि स्टालिन के राज्य से सामने आई जिसने उदयनिधि स्टालिन के दावों की पोल खोल दी है और यही कहानी है विरोधाभास की। कहानी की शुरुआत शुरुआती दौर से करते हैं। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में उस सलमपट्टी इलाके में बने एक सरकारी स्कूल का ये मामला है जहां एक दलित महिला के हाथ से बना खाना छात्रों ने खाने से इनकार कर दिया। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, उन्हें स्कूल में खाना पकाने का काम दिया गया है। वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है, लेकिन बच्चे उनके हाथ का खाना खाने से मना कर देते हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकारी स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है, उसी के तहत इस स्कूल में बच्चों को खाना मुहैया कराया जाता है। लेकिन स्कूल में राशन स्टॉक काफी ज्यादा देखा गया। इसका कारण पूछा गया तो खाना बनाने वाली महिला ने बताया कि बच्चों के माता पिता ने उन्हें उनके हाथ का खाना खाने से मना कर रखा है क्योंकि वो दलित समाज से आती है। ऐसे में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। खुद राज्य की मंत्री डीएम के कनीमोड़ी को समाधान के लिए स्कूल आना पड़ा। खाना बनाने वाली महिला से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 11 में से सिर्फ 2 बच्चे ही उनके हाथ का खाना खा रहे हैं। मैं खुद स्वयं सहायता से जुड़ी हूँ, लेकिन अब वो लोग मुझे स्कूल से हटा रहे हैं। साथ ही मैंने एक बच्चे को यह कहते हुए भी सुना कि अगर वो मेरे हाथ का खाना खा लेगा तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे महिला ने बताया कि बच्चे खाना खाने को तैयार है, लेकिन उन्हें उनके माता पिता इस बात की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब मामला सामने आया तो स्थानीय पुलिस ने 11 सितंबर को बच्चों के घर वालों को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बाद में मामले को जांच के लिए जिला अधिकारी को सौंपा गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमिलनाडु के करूर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसकी जाँच भी जिला अधिकारी ने की थी और मामला जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ था। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है, आखिर क्यों तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों की सरकार होने के बाद भी तमिलनाडु में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सनातन तमिल लोगों के लिए तुलनात्मक रूप से बहुत नया है और उदयनिधि पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर सनातन धर्म का ऐसा इस्तेमाल किया। द्रविड़ नेताओं ने हमेशा सनातन को ऐसे रूप में पेश किया जैसे ये ब्राह्मणों का धर्म है। उन्होंने ही उत्तर बनाम दक्षिण की ये लकीर खींची। आगे आपको बता दें, तमिलनाडु में सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही राजनीति से निकले हैं। हालांकि कई साल से चुनौती बनकर आई भाजपा के हिंदुत्व और पॉलिटिक्स भी इस व्यू को तोड़ नहीं पाई। जबकि अगर आप देखें तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी धर्म और धार्मिक प्रथाओं का भरपूर जोर है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो तमिलनाडु की 87.6% आबादी हिंदू है, वही 6.12% ईसाई और 5.86% मुस्लिम है। अगर यहाँ भी देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या देश के अनुपात के बराबर ही है, तो फिर भाजपा का तुर्रा यहाँ क्यों नहीं चला? विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि सालों साल के डीएम के शासन की वजह से पॉलिटिक्स का व्याकरण ही बदल गया है। लोग द्रविड़ राजनीति के साथ ही कनेक्ट करते हैं। 1962 के बाद से ही हिंदू धर्म, जिसमें बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, को जातिवाद माना गया और तब से ही लोगों ने अपनी राय बदल ली। वही आपको बता दे, तमिलनाडु में वोटर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो धर्म के आधार पर नहीं जाति समुदाय के आधार पर वोट करता है। सत्ता की कुर्सी का खेल ही ऐसा है कि जहां कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा जाता,
लेकिन दूसरों के गिरेबान में ऐसे झांका जाता है कि जैसे उनके पास इसके सिवाय और कोई काम नहीं है। शुक्रिया।